हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माई फ्रेंड्स में। और आज ये मैं आई हुई हूँ चंडीगढ़ के रॉ गार्डन में। ये यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध गार्डन है और यहाँ पे सब रॉ मटेरियल से ही सब सामान बना हुआ है। जो वेस्टेज जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जो पत्थर वगैरह के टुकड़े हैं, चूड़ियों के टुकड़े हैं, उन सबसे चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। और आज 31 दिसंबर है तो यहाँ पर इतनी भीड़ रखी है, बहुत ज़्यादा भीड़ रखी है। और मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी सोचा जब चंडीगढ़ में ये बहुत जगह फेमस है तो मैं भी देखने जाऊं, तो मैं भी देखने आई हूं। और बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है और ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। इसमें झरना वगैरह भी है, झरना है। और यहाँ पर जितने भी गार्डन्स वगैरह हैं सब में जो ना बहुत अच्छा सा है। और लोग यहाँ पर अपनी स्केचेस वगैरह भी बनवाते हैं। और यहाँ पर इतना लोगों में इतना टैलेंट है कि आप जैसे बैठे होते हो आपका सेम वैसे ही पोज बना देते हैं। बहुत अच्छा सा टैलेंट है यहाँ पर लोगों पर जो आपका स्केच वगैरह बनाते हैं। और ये सब पत्थरों से ही बना हुआ है, रॉ मटेरियल से। और यहाँ पर कप प्लेट्स वगैरह जैसे पुराने टूट फूट गए हैं तो उनसे भी यहाँ पर बना हुआ है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और बैंगल्स वगैरह के भी बने हुए हैं, डॉल्स वगैरह, तो बहुत सुंदर सा बना हुआ है। और इतनी सारी सुरंग टाइप की भी यहाँ पर छोटी 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 सी बनी हुई हैं कि और इतना भूल भुलैया जैसा है बिल्कुल। आप अगर यहाँ पर फैमिली के साथ आओ, अगर साथ में नहीं रहते हो तो खो भी सकते हो, यानी खोना तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इतना बहुत बड़ा है कि आप ढूंढ नहीं सकते हो दूसरे को, इतना बड़ा है। और देख ही रहे हो, आपको पूरा देखिएगा मेरे साथ, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ये चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, रॉ गार्डन फेमस यहाँ का बहुत है। और ये जो बना हुआ है ये बिजली के स्विच से बना हुआ है, जो बिजली के पुराने स्विच होते हैं, प्लक्स वगैरह जिनमें लगाए जाते हैं, वो सब टूटे फूटे जो भी हैं, ये देखिए इस तरीके से बना हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग तो ऐसे ही सब चीज़ें फेंक देते हैं, उठा के देखो हमारा हिंदुस्तान कितनी तरक्की करता है, सब रॉ मटेरियल के भी इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं। और ये पुराने मटके जो घड़े वगैरह होते हैं उनसे भी बना हुआ है। बहुत अच्छा लगा, हम लोग इतने थके हुए भी थे कि वैष्णो देवी और सब यात्रा करने में करके आए हुए थे, उसके बावजूद भी हम लोग ये देखने गए। जब यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर सबने बोला ये बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, तो हम चलो देख के आते हैं। और देख के आए तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। आप लोगों के प्यार के बगैर तो मैं आगे बढ़ भी नहीं सकती। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ जब तक नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। अभी तक तो मेरा चैनल आप ही लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग चाहोगे तो मेरा वीडियोस, मेरे चैनल से अच्छा चलेगा। कोशिश तो मैं वैसे पूरी कर रही हूँ और बाकी तो आप लोगों का साथ है। और आप लोग जितना देखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। नए साल में मेरी ये विश पूरी कर दो आप लोग कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और मेरे व्यूज भी बढ़ जाएं। नए साल में मैं आप लोगों से कुछ मांग रही हूँ, अगर आप लोग दे सकते हो तो जरूर दीजिएगा मेरे को, थोड़े से व्यूज़ बढ़ा दीजिए मेरे। और मेरे वीडियोस पूरी पूरी देखा करिए। इधर से जाना, उधर से जाना, किधर से जाना है? मेरे नहीं आ पाएगी ना, मुझे अपनी भी बनानी है। लग रहा है हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इसको बनते ही रहेगा, जुगाड़ होता रहेगा, जुगाड़ होता है, कुछ ना कुछ इसको बनाते ही रहते हैं। कितना अच्छा है ना, सारे वेस्ट नहीं करते।
देखते हैं आओ तो कवरेज एरिया ठीक कर ली मैंने कर ली हाँ निकले।